मॉर्निंग, ऋषिगई समथिंग न्यू में आपका वेलकम है। आज मैं आपको जो नया करने वाला हूँ, नया करने वाला कुछ नहीं हूँ, आज मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला हूँ। और जो इंटरव्यू कंडक्ट जिसका करने वाला और कोई नहीं है, मेरा स्टूडेंट है जो क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में पढ़ता है, डलहौजी हिल टॉप स्कूल में अपनी एजुकेशन ले रहा है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि उसने एक बुक लिखी है हॉपलेस। एक टीचर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, एक स्कूल फैक्यूल्टी के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है कि जब उसका एक बच्चा, उसका एक स्टूडेंट एक बुक लिखे अपने सक्सेस स्टोरी का, फर्स्ट स्टेप उसने जो उठाया है। तो वी आर वेरी प्राउड टूडे। तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन इंटरव्यू कराऊंगा मेरे स्टूडेंट इनोश कल्याण से, कि जिसने ये बुक लिखी हुई है। सो लेट्स मीट विद इनोश कल्याण। इज माई स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन 12th ग्रेड। ही इज टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम डलहौजी हिल टॉप स्कूल डलहौजी। And it's a really very proud moment that he is my student. We are really very proud in Inosh Kalyan. तो मैं आज इसके एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला हूँ कि इसने ये बुक कैसे लिखी है, क्योंकि हमारे लिए we couldn't suppose कि इनोश ने बुक लिखी है, क्योंकि I'm so sorry but he was a backbencher. और जब इसलिए ये क्लियर है कि doesn't mean that you are the first bencher, आप पहले बेंच पे पढ़ने वाले हो, आप 90% लेने वाले हो, आप 100% लेने वाले हो, आप में जो क्वालिटी है वो कैसे कहीं से भी निकल सकती है। तो ये मेरे बच्चे ने आज वो प्रूव कर दिया कि जो उसकी क्वालिटी है, जो उसने इसको अपनी क्वालिटी को पॉलिश किया, उसे पता है कि लगता है कि मेरा एंटायर स्कूल, एंटायर डलहौजी, एंटायर जितने हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत प्राउड मोमेंट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने एक बुक लिखी है जिसका फर्स्ट चैप्टर आ गया है होपलेस। तो मुझे उम्मीद है कि इसके और 4 चैप्टर जो आने हैं वो जल्दी आएंगे और हम सब बहुत प्राउड फील करेंगे। और इसकी जो बुक है ये अमेजोन पे अवेलेबल भी है। चलिए ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं शुरू करता हूँ इनोश से कि उसने ये बुक लिखी कैसे है, क्या उसके मन में ख्याल आया, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये तो डेली मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और इसका डेली क्लास में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे तो इसने बहुत सरप्राइज दिया कि इस बुक लिख ली इसने। तो इनोश कल्याण, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से बैकग्राउंड है, क्या सोच के आपने लिखा, तो कुछ बताएंगे ना। मेरा नाम इनोश कल्याण है और मैं बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। I've been living in Dalhousie since past 15 days क्योंकि मेरे फादर की जॉब थी यहाँ पे। सो मैं सेक्रेड हार्ट से मैंने अपनी एजुकेशन की है 10th क्लास तक, उसके बाद मैंने हिल टॉप में आई यूज टू स्टडी देयर। सो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आई विल राइट दिस बुक, बट मैं काफी फॉन्ड था ये बुक लिखने का, मुझे बहुत शौक था बचपन से। लाइक जब मैं सेक्रेड हार्ट में था 6th क्लास में आई यूज टू राइट बुक्स, बट मुझे वो क्वालिटी लेवल की बुक्स नहीं पसंद थी, जो मेरा राइटिंग वो था वो अच्छा नहीं था। बट उसके बाद मुझे बहुत शौक था बुक्स लिखने का कि मैं बुक्स लिखूंगा, मैं आगे द बुक राइटिंग वॉज माई ड्रीम, द स्क्रिप्ट राइटिंग, द बुक राइटिंग इट वॉज माई ड्रीम। दिस ईयर इन 2021 जून में मैंने बुक को लिखना स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन अप्रैल एंड मई। सो मैंने ये 2 मंथ्स में इन बुक को कम्प्लीट किया। अमेजिंग। एंड इस बुक के लाइक 4 चैप्टर्स है, वी हैव 4 एपिसोड्स, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड एंड यू कैन सी जो कि एपिसोड 1 है होपलेस का। सो एपिसोड से लॉन्च करूंगा। सो इस बुक में एक्चुअली है क्या, इस बुक में हमने बताया है कि एक फिक्शनल लव स्टोरी है एक लड़के की, अ कोल्ड ब्लडेड टीनेजर जो कि बहुत कोल्ड ब्लडेड है और ही इज लिविंग लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। एंड वो जो लव स्टोरी है वो एक प्यार में पड़ जाता है, ही फेल्स इन लव, एंड जो चीज उसको एक मेंटल ब्रेकडाउन पे ले जाती है। सो इस बुक में सब इसके बारे में बताया है। तो इनोश, मेरा कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपने प्लस 2 बोर्ड की क्लास है आपकी, साथ में अपने बुक लिखी है, तो आपके एजुकेशन पे इसका इफेक्ट हुआ है? हाँ, एजुकेशन पे तो इफेक्ट, हाँ लाइक 50% हुआ है मेरे एजुकेशन पे इफेक्ट, बिकॉज अपने 24 आवर्स में से 5 आवर्स मैं इस बुक को लिखने में लगाता था, लाइक जो मैंने 4 चैप्टर्स लिखे हैं बुक के। सो एजुकेशन भी थोड़ी इफेक्ट हुई है, बट एजुकेशन इज मस्ट, अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं हमें एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एजुकेशन हाँ इफेक्ट हुई है बट इन फ्यूचर आई वॉन्ट। तो आपको जब आप बुक लिख रहे थे, आपके टीचर्स ने, स्कूल्स ने, पेरेंट्स ने, किसी ने आपको हेल्प किया कि आपको कहीं कि आप बुक लिख रहे हैं, टाइम बर्बाद भी जा रहा है, 12th बोर्ड है, क्योंकि शुरू में तो सबको ऐसा लगता है ये टाइम बर्बाद कर रहा है, ऐसा क्या फील हुआ आपको कभी, किसने बोला? नहीं, ऐसा नहीं एक्चुअली। माय डैड इज रियली सपोर्टिंग, मेरे डैड ने ये बुक के लिए मुझे सपोर्ट किया। ही यूज्ड टू से मी कि जाके अब जो अगली बुक पे वर्क कर रहे हो आप, उस पे कहीं जाके कहीं ह्यूमन नेचर को देख के बुक्स लिखो,
एंड मुझे बहुत सपोर्ट मिली है मेरे मेरे प्रिंसिपल से, मेरे सर से, मेरे टीचर्स से, फ्रॉम एवरीवन मुझे बहुत सपोर्ट मिली है बुक लिखने के लिए. लाइक बहुत अच्छा फील होता है वो चीज. तो आपको ये स्कूल से इंस्पिरेशन मिली है बुक लिखने की, यहाँ से जो आपकी वर्डिंग है कि मैंने बुक पढ़ी है, बहुत अच्छे वर्ड आपने चूज किए हैं, तो ये आपको कहाँ से ऐसा मिला है, ये नॉलेज कहाँ से इतनी आई कि आप लिख पाए हो? किसको आप ये क्रेडिट दोगे? ये क्रेडिट एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन थी वैक्स किंग. मैं बहुत उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, मिस्टर वैक्स किंग. उनकी एक बुक भी है गुड वाइब्स, सो वो बहुत अच्छी बुक है. सो मुझे उनसे, मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ बुक्स लिखने में. लाइक थोड़े थोड़े की पॉइंट्स मुझे उनकी बुक से लेता हूँ, मैं इंस्पायर हुआ उनसे बुक से. लाइक ही इज माई इंस्पिरेशन, माई रोल मॉडल. मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती रही है बुक्स लिखने में. सो बुक राइटिंग हैज बीन लाइक माई पैशन. तो अभी आपकी और बुक्स आ रही हैं, वो कब तक आएंगी? मेरी अगली बुक जो है माय लाइफ हैज बीन अ लाई वेल ओवर माय आईज, वो बुक मेरी सितंबर 25 को लॉन्च हो रही है. एंड उस बुक के बारे में हमने ह्यूमन सिमुलेशन के बारे में बताया है. ओह दैट्स अमेजिंग. बट आप लगता है कि आपकी 12th क्लास है, बोर्ड्स भी साथ में है, तो आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे? टाइम मैनेजमेंट. मैं अपना टाइम, अपना शेड्यूल बनाऊंगा, अपने शेड्यूल के साथ वर्क करूंगा बुक पे. लाइक थोड़ा टाइम पढ़ूंगा एंड उसके बाद अपनी बुक लिखूंगा. तो आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर लेंगे अपने अपने बोर्ड के साथ और बुक के साथ? या आई विल कॉप अप टाइम. दैट्स अमेजिंग. तो इनोष, आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी बुक्स अभी तक Amazon में सेल कर रहे हैं कि पब्लिशर्स में सेल कर रहे हैं? ये एक्चुअली Amazon में भी पब्लिश है, Flipkart पे. एंड ये मेरी बुक Notion प्रेस पे भी मिल रही है, जो ऑफिशियल पब्लिशिंग साइट है, उस पे भी आपको मेरी बुक मिल जाएगी. So you can go and get my book. अगर आपको हमें अगर आपको ऑनलाइन बुक खरीदनी है इनोश कल्याण की, तो इनोश जी ने बताया कि Amazon पे, Flipkart पे और एक और साइट में बताया Notion Press पे ये बुक अवेलेबल है. तो इसमें बहुत अच्छी जो स्टोरी है, स्पेशली यंग्स के लिए, यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि एक इंस्पिरेशन मिलती है. आई एम बीइंग यंग, मैं टीचर हूँ इसका, बट मैं आई फील दैट आई एम वेरी यंग. तो मैं तो इसको डेफिनेटली पूरा पढ़ चुका हूँ, 2 से 3 वाली पढ़ चुका हूँ. मुझे बहुत अच्छी लगी है. सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी है, इसने बहुत फॉर्मल नहीं हुआ. ये जो फील कर रहा है, जो इसके थॉट्स हैं, इसने वो लिखे हुए हैं जो कि एक रियलिटी बताते हैं, जो रियलिटी होनी चाहिए, जो पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करता है. इट हैपन्स विद एवरीवन, बट हम अपने थॉट्स को, अपने विचार को बार बता नहीं पाते हैं. बट मुझे ये लगता है इस बुक में पढ़ने का, मुझे लग रहा है कि इस बच्चे ने अपने पूरे विचार बताए हैं, अपने थॉट्स बताए हैं, अपने आइडियाज, अपनी फिक्शनल स्टोरी जो इसकी थी, वो जो सबके साथ है बट हम बता नहीं पाते हैं. तो वी आर वेरी प्राउड. इनोश, अभी तक आपकी कितनी जो बुक्स, आपको लगता है कि ये बुक्स अभी तक सेल हो चुकी हैं, कितने टाइम से? अभी तक मेरी 45 बुक्स सोल्ड हो चुकी है हर प्लेटफॉर्म पे, Notion प्रेस पे, Amazon पे, Flipkart पे. बट ज्यादा जो सेल है इसकी Amazon पे चल रही है, Notion प्रेस पे थोड़ा अप डाउन. ओके, अभी बुक को लॉन्च हुए आई थिंक 2 या 3 दिन हुए हैं, 2 या 3 दिन में 45+ बुक जाना, ये अपने में रिकॉर्ड आ रहा है अभी इस एज में. और आई होप कि इसकी बुक्स और बिकेंगी. हमारा बिकेंगे नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल, व्हाट आई फील इट्स नॉट फॉर सेल, क्योंकि इनोश के लिए मुझे लगता है कि सेल के लिए कर रहा है ये. एक्चुअली दिस बुक इज नॉट फॉर सेल. मैं चाहता हूँ कि लोग ये बुक खरीदे, क्योंकि ये बुक काफी ज्यादा लोगों की लाइफ से रिलेटेबल होगी. एज इफ ये बुक इज अ, दिस बुक इज अ फिक्शनल बुक, ये मेरी लाइफ से भी रिलेटेड है. सो दिस बुक इज नॉट फॉर सेल. यू कैन, जो आपकी लाइफ जो है, रियल लाइफ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मिस हैपनिंग हो रही है, क्या मिसकंसेप्शंस है, तो आप ये बुक ले सकते हैं. आपकी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेबल होगी ये बुक काफी लोगों को. दिस बुक इज अमेजिंग, यू कैन जस्ट रीड इट. इजी लैंग्वेज में इनोश के बोलना चाहते हैं कि जो उसकी नॉलेज है, जो रियलिटी है, जो सबके साथ है, वो ये सोचता है कि वो बुक को बेचने का पर्पस नहीं उसका, कि जो रियलिटी है, जो हमारी हिडन रियलिटी है, हिडन ट्रुथ्स हैं जो हम कभी निकाल नहीं पाते हैं, इस बुक के थ्रू हम निकाल सकते हैं. हमें भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. तो ये बुक इज नॉट फॉर सेल, ये क्लियर कर रहे हैं इनोश, दिस बुक इज नॉट फॉर सेल, ये आपको कुछ जानने के लिए है. तो इसलिए आप जब परचेज कर रहे हैं इसको, तो आप ये सोचो कि आप कुछ सीक्रेट जानोगे अपने. तो मैं, मेरी शुभकामनाएं बेटा आपके साथ है. थैंक यू सर. आप मेरे आज इंटरव्यू तो देने आए हैं, साथ में आप मेरे स्टूडेंट हो, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, और हमें बहुत प्राउड फील है पूरे इंटायर स्कूल को, इंटायर क्लासरूम को, और जितने यहाँ के यूथ है, कि हमारे एक बच्चे ने इतनी अच्छी बुक लिखी है. और ये सब, या मैं मैसेज देना चाहूंगा इसके बिहार पे सबको, बच्चों को, हर बच्चों में क्वालिटीज होती हैं, सिर्फ पढ़ना ही क्वालिटी नहीं है. कि आप 80% स्कोर कर रहे हो, आप 95% स्कोर कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी है क्या. पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी क्वालिटी क्या है,
जैसे इनोश ने बहुत टाइमली अपनी क्वालिटी रिकॉग्नाइज कर ली कि उसको राइटिंग का शौक है, उसको राइटिंग का शौक है, उसने लिखा बुक और उसकी बुक अच्छी दिख जा रही है और एक जो उसका एक प्लेटफॉर्म उसको अच्छा मिल चुका है, उसने अपना जो सक्सेस का फर्स्ट स्टेप उसने उठा लिया है। तो जिस भी बच्चे का जो शौक है, जो सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, डिबेट एंड ऑल, ये सब करिकुलम एक्टिविटी होती रहती है स्कूल्स में, पर हमें से पहचानना है कि हमारा हमारा जो रुझान है किस तरफ ज्यादा है, तो उसमें हम काम करें। मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ना नहीं है, पढ़ना अपने बहुत अच्छा है, हम टीचर्स को प्राउड फील होगा जब आप अच्छे रिजल्ट लेके आओगे, पर साथ ही साथ जो जिस चीज में आपकी रुचि है उसे भी आप पॉलिश करें। और मेरा ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि इस बच्चे को बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए, इसकी जितने भी एपिसोड आए वो बहुत अच्छे तरीके से इसके लॉन्च हो, लोग इसको पढ़ें और ये ऐसी सक्सेस को अचीव करते रहे। थैंक यू सो मच।